हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम इट्रोसिल 90 mg टैबलेट के बारे में फुल जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टैबलेट का बेनिफिट और यूज किस बीमारी में इलाज करने के लिए यूज किया जाता है और साथ में इस टैबलेट का डोज क्या है और इस टैबलेट को देने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो दोस्तों ये सब जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइए, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडिसिन वाले चैनल। तो दोस्तों, इस इट्रोसिल 90 mg टेबलेट का इस्तेमाल दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यह एक टेबलेट गैर स्टेरॉइड संबंधित तथा सूजन और नॉन स्टेरॉइड एवं एंटी इंफ्लामेटरी दवा है। और दोस्तों, इस टेबलेट को कौन सी कंपनी बनाती है? तो दोस्तों, इस टेबलेट को एसिल्टस बायोफार्मा कंपनी बनाती है और इस टेबलेट का MRP ₹125 है। कृपया ध्यान दीजिए, इसके प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और इस इट्रोसिल 90 mg टेबलेट के एक पत्ता में टोटल 10 टेबलेट दिए होते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं इस इट्रोसिल 90 mg टेबलेट के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, इस टेबलेट का कॉम्पोजिशन है इट्रोकॉक्सिप 90 mg है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस इट्रोसिल 90 mg टेबलेट के यूज और फायदे के बारे में। तो दोस्तों, इस टेबलेट का यूज अनेक प्रकार के बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस टेबलेट का यूज रूमाटॉइड अर्थराइटिस, अगर किसी को रूमाटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है जो कि जोड़ों में सूजन हो जाती है और बहुत तेज दर्द होता है जिससे कि उनको चलने फिरने और उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो तब जाकर इस दवा को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और एंकी स्पिंडलाइटिस को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी को एक्यूटिक गाउट यानी कि उसको अचानक से गठिया की समस्या हो गई है तो उसे भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल, अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को दांतों का ऑपरेशन हुआ है और उसके दांतों में तेज दर्द होता है तो उसे भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये था इसके यूज के बारे में और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने मरीज को अदर कंडीशन में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस इट्रोसिल 90 mg टेबलेट के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस टेबलेट को डॉक्टर सलाह देते हैं और इस टेबलेट को देने से पहले मरीज का एज, बॉडी वेट और क्या समस्या है ये सब देखने के बाद ही देते हैं। लेकिन भाइयों, हम इस टेबलेट का सामान्य डोज बता देते हैं कि डॉक्टर द्वारा कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस टेबलेट को रोजाना एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को दी जाती है और इस टेबलेट को खाना खाने के बाद सलाह दी जाती है। कृपया इस टेबलेट को ओवरडोज लेने की कोशिश न करें, अन्यथा नहीं तो फायदे के जगह पर नुकसान हो सकते हैं, या तो आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेकर यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस इट्रोसिल 90 mg टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, हम सभी को पता है दवा के फायदे के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसे हम जान लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि नींद न आना, जी मिचलाना और उल्टी होना, पेट में दर्द होना, पेट फूलना और गैस बनना। तो दोस्तों, इस टेबलेट का यही साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और वे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं तो नजदीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें जहां फौरन ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, जो कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दर्द या सूजन और साथ साथ जोड़ों में भी दर्द होता है तो उसे भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है और यह बहुत हेल्पफुल टेबलेट है। आई होप दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने इट्रोसिल 90 mg टेबलेट के यूज और फायदे के बारे में जाना। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।